हम लोग ज्योग्राफी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैच द टू कॉलम्स एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी के वीडियो को। मैच द टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक तरफ मिनरल है बॉक्साइट, हेमेटाइट, माइका, टिन। दूसरी तरफ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है नॉन मेटेलिक मिनरल एल्यूमिनियम, फाउंड इन मलेशिया, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। तो बॉक्साइट तो देखिए Al2O3 होता है एल्यूमिनियम, ये तो लिंक हो गया बॉक्साइट का एल्यूमिनियम के साथ। हेमेटाइट आयरन का ओर होता है, तो मेटेलिक तो है ही, आयरन का ओर है। और बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर, आयरन के बॉक्साइट होता है, हेमेटाइट होता है और एक और होता है। आई थिंक हम आयरन के ओर्स अगर देख लें तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ओर्स होते हैं और उनमें से किसकी क्वालिटी बेस्ट होती है। तो आयरन के ओर्स जो है मैग्नेटाइट हेमेटाइट है, लाइमोनाइट है, पायराइट है, सीडेराइट है। इसमें मुझको दो ही आते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। एक Fe2O3 होता है शायद, एक Fe3O4 होता है। बाकी गोथाइट है, लाइमोनाइट है, पायराइट है, सैडेराइट है, कई सारे आयरन ओर्स होते हैं। जो हेमेटाइट है वो बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है, तो आयरन ओर इसमें कोई और है भी नहीं। माइका पे आते हैं, माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। माइका एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। माइका होता क्या है वो देख लेते हैं। माइका माइका होता क्या है, माइका मिनरल का मैं जानना चाहता था फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। माइका इज ए मिनरल नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ मिनरल्स दैट आर फिजिकली एंड केमिकली सिमिलर। दे आर ऑल सिलिकेट्स, सीड सिलिकेट्स होते हैं, डिस्टेंट लेयर में मिलते हैं। पर मैं माइका का जानना चाहता था इसमें मेटल होती है कि नहीं होती है। माइका सीड सिलिकेट मिनरल्स हैं और मोनोक्लाइनिक होते हैं। मोनोक्लाइनिक का मतलब है क्रिस्टोग्राफी, मोनोक्लाइनिक इज वन ऑफ द सेवन क्रिस्टल सिस्टम। स्यूडो हेक्सागनल क्रिस्टल होते हैं। अभी भी मुझे इसका पता नहीं चला केमिकल फॉर्मूला। Ab2XSiO4 10OF का होल तो आई थी, Ab2 क्या है पता नहीं। माइकास कैन बी गिवन द जनरल फॉर्मूला X2Y46Z8O22HF का 4। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब तो मेटल ही है। वाई इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। जेड इज चीफली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इनमें ये तो पक्का है कि मेटल तो है, बट ये कि हैवी मेटल नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन भी हो सकता है। एनीवे माइका को इन्होंने नॉन मेटेलिक मिनरल में लिखा है। टिन इज फाउंड इन मलेशिया, टिन इज फाउंड इन मलेशिया। टिन के अगर हम डिपॉजिट्स देखें, टिन, ये कल मैं मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहा था तो मैंने देखा था मलेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, टिन प्रोड्यूसिंग एरियाज का अगर हम मैप लें पूरे वर्ल्ड का, साउथ ईस्ट एशिया, इधर ब्राजील, पेरू, ग्लोबल टिन रिसोर्सेस। वर्ल्ड्स बिगेस्ट टिन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। बॉक्साइट में तो इंडिया आता है, टिन नहीं है इंडिया के पास। सल्फर भी इंडिया में है। ग्लोबल टिन मार्केट, वर्ल्ड टिन माइन प्रोडक्शन, रस कनाडा 1%, कजाकिस्तान, यूके, जर्मनी, इजिप्ट, कांगो 3%, चाइना, चाइना एक काफी बड़ा टिन का सप्लायर है 26%,
और पेरू 26.8, पेरू साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया 19%, मलेशिया तो मैं देख ही नहीं रहा मुझको इसमें, बोलीविया 8.6, इंडोनेशिया 20%, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक मलेशिया है इसमें 0.5%। मलेशिया इसमें ये क्यों लिखा है फिर कि टिन फाउंड इन मलेशिया? हाँ टिन मलेशिया में मिलता होगा, लेकिन टिन का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो चाइना और पेरू है, चाइना, इंडोनेशिया और पेरू, मलेशिया तो नहीं है। ये कब का है डेटा, ये देखना पड़ेगा, 2016 का है एस्टिमेट। चाइना, इंडोनेशिया, पेरू, ये और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो चाइना ही है टिन का, तो चाइना की आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो ईस्ट एशिया, चाइना, चाइना की इकोनॉमिक जियोग्राफी पे आते हैं। चाइना की इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आते हैं, चाइना सबसे बड़ा टिन का प्रोड्यूसर है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर साउथ अमेरिका में पेरू और बोलीविया, थोड़ा बहुत कांगो। मलेशिया को क्यों इन्होंने इतनी प्रेफरेंस दी है पता नहीं, मलेशिया का तो कोई मुझे नाम दिख भी नहीं रहा है कि टिन प्रोड्यूसर्स में कोई बहुत बड़ा नाम है। ये तो इंडिया का मैप खुल गया, क्रोमाइट, कॉपर, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तो हो गया, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, हेमेटाइट, आयरन ओर, माइका, नॉन मेटालिक मिनरल, टिन हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया साइड, आयरन ओर, मैग्नीज, लाइम स्टोन, प्लेटिनम, और ये इनका देखना है कौन कौन सी कंट्रीज में है, कौन से फेमस है। लाइम स्टोन, प्लेटिनम, कंट्रीज कौन कौन सी है, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, स्वीडन, जॉर्जिया, जॉर्जिया, आयरन ओर, स्वीडन, मैं अगर गेस करूं तो आयरन इनमें से सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, फ्रांस, मैग्नीज, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के डिपॉजिट होने चाहिए, जॉर्जिया, प्लेटिनम, चारों में से मुझे ज्यादा नहीं पता, आयरन ओर स्वीडन, मैग्नीज जॉर्जिया, लाइम स्टोन फ्रांस, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका। अच्छा गोल्ड प्लेटिनम, सॉरी ये तो गेस कर सकता था मैं, गोल्ड डायमंड प्लेटिनम, ये तो साउथ अफ्रीका की ही निशानी है, लाइम स्टोन भी कुछ कुछ गेस कर सकता था फ्रांस का, मैग्नीज जॉर्जिया, आयरन नॉर्थ स्वीडन, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका। ये प्लेटिनम डिपॉजिट्स पूरे दुनिया भर में कहाँ है, इस पे मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। प्लेटिनम डिपॉजिट्स अच्छा, प्लेटिनम के जो सबसे बड़ी जो डिपॉजिट्स हैं वो साउथ अफ्रीका में बुशवेल्ड है, और इधर रसिया में कहीं टुंड्रा रीजन में है, तो प्लेटिनम मुझे लग रहा है रसिया में स्टोर करना चाहिए मुझे, रसिया 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 की इकोनॉमिक, रसिया की इकोनॉमी नहीं, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक जगह में, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की करते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
ओशनोग्राफी, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोम्स, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके जस्ट नीचे सेटलमेंट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अफ्रीका की इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने उस समय कुछ नहीं किया था, खाली इसके कि वेनिला वेनिला मिलता है, वेनिला कॉफी, सफायर्स। अब मैं करने जा रहा हूँ असली काम की चीज, वो है प्लेटिनम डिपॉजिट्स। इकोनॉमिक जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट है बुश वेल्स। वेल्स एक बहुत फेमस ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका के, और वहां पे आपको प्लेटिनम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। लिख देता हूँ नीचे, प्लेटिनम डिपॉजिट्स। ठीक, और कोई प्लेटिनम डिपॉजिट? आई थिंक प्लेटिनम माइंस के नाम भी दे रखे हैं, ग्रेट डाइक, बुशवेल कॉम्प्लेक्स, आइटमोस्ट कॉम्प्लेक्स, नोरिलैक्स। नोरिलैक्स तो एशिया में, साइबेरिया वाले पर, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्रीज है। बुशवेल्ड में डायमंड भी मिलता है प्लेटिनम के साथ साथ। बुशवेल्ड लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, तीन लिम्स है, होस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड्स पीजी डिपॉजिट्स। अभी पीजी डिपॉजिट्स क्या है? 60% ऑफ द प्रोडक्शन प्लेटिनम का। प्लेटिनम वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेटिनम माइनिंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका है, इनमें कनाडा और अमेरिका भी है। आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर स्वीडन, मैगनीज ने प्लेटिनम साउथ अफ्रीका, उल्टे चल रहे थे। लाइम स्टोन फ्रांस। अब फ्रांस में लाइम स्टोन कहाँ है ये देखना पड़ेगा। फ्रांस में ऐसा हो सकता है कि एल्प्स हैं, तो एल्प्स में हो लाइम स्टोन का मामला। है तो लाइम स्टोन की क्लिफ्स है पूरी पूरी फ्रांस में। पूरे पूरे प्रोविंसेस हैं लाइमस्टोन के। विगुजेट वर्टिकल लाइमस्टोन क्लिफ्स ऑफ एट्रियट इन नॉर्मंडी फ्रांस। नॉर्मंडी फ्रांस में पूरे लाइमस्टोन के क्लिफ्स हैं बड़े बड़े। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब बचता है मैग्नीज जॉर्जिया और आयरन ओन स्वीडन। जॉर्जिया कौन सी कंट्री है? रशिया वाली कोई कंट्री, यूएसएसआर वाली कोई कंट्री? मैगनीज जॉर्जिया, टेबिलसी, मैगनीज काला काला, ये जॉर्जिया में मिलता है तो जॉर्जिया में प्रोडक्शन। अच्छा खासा प्रोडक्शन है जॉर्जिया में, जॉर्जिया आर्मेनिया। ओके, है तो यूएसएसआर वाली कंट्री। यूएसएसआर वाली कंट्रीज इंडस्ट्रियल माइनिंग काफी करती है। आयरन ओर स्वीडन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद हेल्प ऑफ कोड। जेंशन, विद इन द इक्वेटोरियल रीजन्स द हाईलैंड्स हैव एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इक्वेटर पे जो रीजन है उसमें हाईलैंड्स, इक्वेटोरियल तो रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल में हाईलैंड है ही कहाँ? अगर आप इक्वेटोरियल रीजन का मैप देखें, इक्वेटोरियल रीजन का मैप देखें पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें अमेजन का रेन फॉरेस्ट है, हवाइयन रेन फॉरेस्ट है, अफ्रीका का रेन फॉरेस्ट है, केन्या का रेन फॉरेस्ट है, यहाँ
रेन फॉरेस्ट में लिख रखा भाई इसको, ये रेन फॉरेस्ट तो इंडोनेशिया मलेशिया वाला है, मेडागास्कर का रेन फॉरेस्ट है, मेडागास्कर तो सभी लिखा है। इक्वेटोरियल रीजन में हाईलैंड्स, अफ्रीका में हो सकता है हाईलैंड्स हो। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट चलिए इसमें पढ़ते हैं। विद इन द इक्वेटोरियल रीजन द हाईलैंड्स हैव एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे हैव बीन द एरिया सेटल्ड बाय द यूरोपियन। इक्वेटोरियल रीजन में जहां जैसे से इंडोनेशिया है, मलेशिया है, गर्म बहुत है, या अमेजन है, या कांगो रेन फॉरेस्ट है, तो इनमें जहां जहां माउंटेन्स आ जाएंगे तो यूरोपियंस यहाँ पे सेटल हुए होंगे। सही लग रहा है मुझे ये, एजर्सन भी सही लग रहा है भाई। यूरोपियंस ने जब कॉलोनीज बनाई थी तो वो माउंटेनस रीजन में रहते थे। फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन द यूरोपियंस ऑलवेज सिलेक्टेड द हाईलैंड्स, क्योंकि थोड़ा सा कूलर और लेस ह्यूमिड क्लाइमेट होता था। इन द ट्रॉपिकल लोलैंड्स द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वॉज ए डिटरिंग फैक्टर टू द यूरोपियन सेटलमेंट। ओके, तो ए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यूएसए ग्रोज सुगर केन इन गल्फ कोस्ट रीजन, क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज वॉर्म एंड मॉइस्ट, मतलब हॉट ह्यूमिड। सुगर केन को हॉट ह्यूमिड चाहिए होता है, इसीलिए देखो आप सुगर केन कहाँ होता है, ब्राजील में है। सुगर केन पूरे जितने भी इक्वेटोरियल रीजन है उन जगह है। शुगर केन की फैक्ट्री कैरेबियन में है, अमेजन के उसमें है, ब्राजील में है, इंडिया में है शुगर केन का प्रोडक्शन। अब मुझे लग रहा है इंडोनेशिया मलेशिया उधर सूरीनाम वगैरह में भी है, गुयाना सूरीनाम और इधर फिजी विजी में भी है, तो है सब इक्वेटोरियल रीजन। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल हॉट सनी एरियाज में ही चलता है। गल्फ कोस्ट किसको बोलते हैं यूएसए का, गल्फ कोस्ट यूएसए, ये वाला रीजन है। ये बहुत ऊपर तो नहीं है, मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखे जाए तो ट्रॉपिक तो नहीं बोलेंगे, बट इक्वेटर तो नहीं बोलेंगे, बट ट्रॉपिक्स बोल सकते हैं यार। गल्फ कोस्ट, मैक्सिकन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब टेक्सास लुइसियाना वाला रीजन, गल्फ कोस्ट। ये ईस्ट कोस्ट है, ये गल्फ कोस्ट है, मिड वेस्ट है, द रॉकी माउंटेन, ये वेस्ट कोस्ट है। ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, रॉकी, मिड वेस्ट, गल्फ कोस्ट। तो जो गल्फ कोस्ट वाला रीजन है यूएसए की जियोग्राफी में आना चाहिए ये। यूएसए, लॉन्ग लिव यूएसए। यूएसए की जिग्राफी में आना चाहिए सेंटा एना विंड, कर रहा था मैं कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया तो एक तरीके से ईस्ट नहीं वेस्ट कोस्ट है, ये हो गया मेरा। कैलिफोर्निया एक तरीके से क्या प्रॉपरली वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट जो है ये रहा। तो नहीं, मुझे गल्फ कोस्ट चाहिए था। गल्फ कोस्ट में सुगर केन प्लांटेशन, यूएसए गल्फ सुगर केन, आई नीड टू कंफर्म इट। है तो भाई यूएसए में गल्फ कोस्ट में सुगर केन का प्लांटेशन है। लेकिन ये यूएसए की बजाय इंडिया की फोटोज लग रही हैं। चलो एनीवे, ये सही बात है कि यूएसए ग्रोथ शुगर केन इन द गल्फ कोस्ट रीजन, क्योंकि गल्फ कोस्ट का रीजन जो है वो वार्म एंड मॉइस्ट है। आइडियल जो क्लाइमेट चाहिए होता है शुगर केन के लिए वो चाहिए होता है लॉन्ग वार्म ग्रोइंग सीजन विद ए हाई इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन एंड एडिक्वेट मॉइस्चर रेनफॉल।
प्लांट को कम से कम 300 ग्राम का पानी चाहिए होता है 1 ग्राम ड्राई सब्सटेंस बनाने के लिए, और दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सुगर केन इन द गल्फ कोस्ट रीजन। सही बात है, क्योंकि सुगर केन वाटर एब्जॉर्ब करता है। सुगर केन को वाटर कहाँ से मिलेगा? तो मॉइस्चर से ही तो मिलेगा, मॉइस्चर चाहिए, और हॉट और ह्यूमिड रीजन भी चाहिए। सही है, दोनों चाहिए, और दोनों करेक्ट रीजन है। मतलब रीजन जो रीजन है वो जल्सन करेक्ट रीजनिंग है। चाइना इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस बट डज नॉट एक्सपोर्ट राइस। चाइनीज राइस इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड देर इज नो डिमांड फॉर इट इन इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, चाइना में लोग राइस खाते हैं, ये तो बात पक्की बात है, खाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पसंद करते हैं। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, बट इतनी पॉपुलेशन है 150 करोड़ की, तो वो सारा खुद ही खा जाएगा। बट इट कंज्यूम्स नियरली एवरी थिंग इट ग्रोज एंड इवन इम्पोर्ट सम राइस फ्रॉम थाईलैंड एंड वियतनाम। चाइना थाईलैंड और वियतनाम से राइस इम्पोर्ट करना पड़ जाता है, इनका राइस खत्म हो जाता है टू फीड इट्स 1.3 बिलियन पीपल। पर 150 करोड़ लोग हैं, तो जो राइस पैदा करेंगे वो खत्म ही हो जाएगा। इनको उल्टा मंगाना पड़ जाता है थाईलैंड और वियतनाम से अपने लोगों को फीड करने के लिए। हर चीज में तो चाइना राइस यूज करता है। चाइना एक जैसे इंडिया वीट, ज्यादातर इंडिया जो है वीट वाला है, वैसे ही ज्यादातर चाइना राइस वाला है। लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। वैसे तो अब मुझे लग रहा है कहानी साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, रशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर मुझे इन चारों कंट्रीज में कंपेयर करना हो, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, वेनेजुएला, तो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड लाइज इन वेनेजुएला। सऊदी अरेबिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जो है नए नए खोज के साथ बदलता रहता है। ऑयल रिजर्व्स बाय कंट्री, द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक, रसिया, कुवैत, यूएई, यूएसए, लीबिया। सही है, सबसे ज्यादा जो है ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा वेनेजुएला का ही। तो कोई 1 मिनट एक काम करोगे, मम्मा को फोन करके बोल दो लिफ्ट से आ जाना। ये मैं स्टोर कर लेता हूँ, लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व साउथ अमेरिका में जाएगा ये तो। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक जियोग्राफी। आई थिंक क्लाइमेटोलॉजी तक बनाया, मैंने बनाया नहीं, इकोनॉमिक जियोग्राफी बना देता हूँ। इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, वेनेजुएला नंबर 1 है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 है, कनाडा नंबर 3 है,
ईरान, इराक, रसिया, कुवैत, यूएई, यूएसए, लीबिया, कतर वतर तो है भी नहीं टॉप 10 में। चलो भाई, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक, रसिया, कुवैत, यूएई, यूएसए, लीबिया। चलो, चाइना और इंडिया नहीं है जो सबसे बड़े कंज्यूमर है। तो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन वेनेजुएला। पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ, पीनट्स, मूंगफली, घाना, गैम्बिया, ग्वाटेमाला। पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ द गैम्बिया। गैम्बिया आई थिंक अफ्रीकन कंट्री है। गैम्बिया हैज नो इम्पोर्टेंट मिनरल और अदर नेचुरल रिसोर्स एंड इज ए लिमिटेड एग्रीकल्चर बेस। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इट्स लाइवलीहुड। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फीचरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पीनट्स, फिश एंड हाइड्स। पीनट्स जो है वो गैम्बिया का है, ये अभी मुझे देखना पड़ेगा। पीनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, पीनट प्रोडक्शन, पीनट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? पीनट प्रोडक्शन वर्ल्ड मैप, टॉप पीनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, अफ्रीका, इंडिया। इंडिया भी है। मुझे लग रहा है पीनट जो है वो एक तरीके से इक्वेटोरियल तो नहीं बोलेंगे, ट्रॉपिकल है। पीनट प्रोडक्शन इंडिया की बात की जाए तो पीनट का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी, और यूपी में वही बुंदेलखंड वाले रीजन में पीनट का प्रोडक्शन हो सकता है। पीनट को आई थिंक वही स्पेस दिया जाता है, वही लैंड दी जाती है जो एग्रीकल्चर के लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छी, सुटेबल नहीं हो। पीनट रबी है कि खरीफ है? ग्राउंड नट, इधर साउथ में तमिलनाडु आंध्रा वाला रीजन है, इधर गुजरात वाला रीजन है। पीनट के बारे में पता करता हूं मैं। पीनट प्रोडक्शन चाइना, इंडिया, यूएसए। पीनट या ग्राउंड नट लेग्यूमे क्रॉप है,